हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका मेडिकल वाला दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेके। आज के वीडियो में हम जानेंगे जिथ्रोलैट 250 टैबलेट के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हो इस तरह की पैकिंग होती है। स्ट्रिप के अंदर में आपको 6 टैबलेट मिल जाती है व्हाइट कलर की। MRP के बारे में जाने तो इसका जो MRP है वो लगभग 78 रुपये है, और ये और भी कई सारे ब्रांड्स के आपको मिल जाएगी। और जितने भी ब्रांड्स के आपको मिलेगी लगभग सभी का जो प्राइस है वो सेम ही होता है, और सभी ज़्यादातर जो है 6 ही टैबलेट आती है स्ट्रिप के अंदर में। तो यहाँ पे ये एबट कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है, जिथ्रोलैट ब्रांड नेम है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें, एजिथ्रोमाइसिन इसके अंदर में दवाई है, साल्ट है, तो जो कि 250 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आपको मिल जाता है। इसके अलावा 200-500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में भी मार्केट में मिल जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन। तो आजकल जैसे ज़्यादा समस्याएं आपको देखने को मिल रही है कि मौसम चेंज हो रहा है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को, लगभग 90% लोगों को जो है खांसी, जुकाम, गले में खराश वगैरह, गला बैठ जाना, और जुकाम बुखार ठीक ही ना होना, बिल्कुल भी कोई भी दवाई खा रहे हो बेस्ट से बेस्ट तो उसमें आराम नहीं मिल रहा है, और वायरल फीवर हो रहा है। इसके अलावा टाइफाइड की समस्या भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे देखने को मिल रही है। उस कंडीशन में आजकल इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इसका इस्तेमाल जो है वो कई तरह के और जो मेजर प्रॉब्लम होती है उनमें किया जाता है, बट फिलहाल में जो भी की कंडीशन चल रही है तो उसमें जो है इसका इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है। तो सारी डिटेल अभी जानेंगे हम। तो यहाँ पर आपको बता दिया इसके बारे में। तो एजिथ्रोमाइसिन जो टैबलेट है ये एक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है। तो इसका इस्तेमाल जो है अभी फ़िलहाल में जो है खांसी, जुखाम, बुखार और गले में खराश होना, गले का बैठ जाना, गले से कफ आना, या फिर गले में दर्द होना, या फिर जो है चेस्ट में इन्फेक्शन होना, तो इस तरह की परेशानी में आजकल इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बेस्ट एंटीबायोटिक है ये। तो आजकल इसी का रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिल, फिलहाल में वायरल सबको हो रहा है वो इसी से कंट्रोल हो रहा है, और कोई भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो उससे कोई इतना खास आराम नहीं मिल पा रहा है पेशेंट के। अलावा इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादातर जो है जो टॉन्सिल्स की समस्या हो जाती है उसमें किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसके अलावा यदि कोई इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है या फिर पेट में इन्फेक्शन है तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है ये टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन। इसके अलावा यदि आपको आँख में, कान में, नाक में कहीं भी इन्फेक्शन है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कहीं पे कोई टांके हो रहे हैं या फिर फोड़ा फुंसी की समस्या है, घाव बना हुआ है जो कि कई तरह के एंटीबायोटिक यूज़ करने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा, तो उसको ये बहुत ही जल्दी से अच्छे से सुखा देगा। तो इसके अलावा यदि लंग्स में इन्फेक्शन है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, या फिर जो है कहीं पे चोट लगी है जिसकी वजह से घाव बना हुआ है, या फिर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, तो उसमें बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक टैबलेट है ये, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये 250 mg की जो टैबलेट है इसको जो है 6 साल से और 15 साल तक के जो लोग हैं उनको दे सकते हो। और कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं या फिर बड़े बूढ़े जिनको कि 500 mg की टैबलेट जो है दिक्कत करने लगती है, उनको चक्कर वगैरह आ जाते हैं, या फिर उल्टी दस्त जैसी समस्या हो जाती है, या फिर पेट में बहुत ज़्यादा गैस कब्ज बन जाती है, तो उस तरह की समस्या में जब जो है अगर पेशेंट को दिखने को मिले तो ये 250 mg टैबलेट चलाई जाती है। और अगर पेशेंट जो है 16 साल से ऊपर है और तो उसमें जो 500 mg की स्ट्रेंथ में दी जाती है, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका इस्तेमाल करना है। इसकी जो डोज है ज़्यादातर जो है एक टाइम देने की सलाह दी जाती है केवल रात में, पर कभी कभी जो है इसको 2 टाइम तक भी दिया जा सकता है पेशेंट को। साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानने रहते हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट, कुछ खास साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं हैं। तो उल्टी जैसा फील हो सकता है, चक्कर जैसे, या फिर हाथ पांव पर खुजली दाने, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और डोज आपको बता दी है, और
जो प्रेग्नेंट महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाओं हैं उनके लिए जो ये टैबलेट नहीं है, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर से लें यदि आप इसको यूज़ करना चाहते हो, इस्तेमाल करना चाहते हो तो। इसके अलावा जो लोग लीवर किडनी से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं या फिर अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोई और नशा वगैरह करते हैं, तो वो जो लोग हैं इससे दूर रहें। और इसके बारे में इतनी थी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।